अरे यार छोरो देख के बात कितना फिर बोलो, चलो स्वागत। विपक्ष का काम है विरोध कर, वो तेजस्वी जी विरोध कर रहे हैं। वो देहात में कहावत है कि चलनी दूसरे का सूप को जिसमें सस्त हजारों छेद। कौन क्या कहता है नहीं कहता उसकी बात छोड़िए, लेकिन देश विकास के पथ पर है और आज अरे भाई देखिए एक बात जान लीजिए आप, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता। समय का इंतजार करिए। G20 के डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद से ही बिहार की राजनीति में लगातार हलचल है। सीएम नीतीश के गोलमोल जवाब से लेकर कंफ्यूजन और भी बढ़ जा रहा है। वहीं भाजपा नेताओं के सीएम नीतीश के एनडीए में वापसी की खबरों का खंडन किए जाने के बाद भी खबर पर लगातार चर्चा हो रही है। राजनीति के गलियारों में इस बात की कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश कभी भी पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। इस बीच एनडीए के नेता पशुपति कुमार पारस ने सीएम नीतीश को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। तेजस्वी ने एक बात कही है कि एनडीए लगातार अलग होते जा रहे हैं, डीएमके आपसे अलग हो गया, नीतीश कुमार भी अलग हो गए। जो आदमी खुद कमजोर होता है दूसरे को कहता है कमजोर हो रहा। एक बात आप जान लीजिए कि देश का नेतृत्व विगत 10 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, और आप G20 की अध्यक्षता की बात करिए, आप महिला आरक्षण बिल की बात करिए, आप प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पर विश्वकर्मा समाज के लोगों को तोहफा दिया, आप वो देखिए चंद्रयान की बात देखिए, तो दिन प्रतिदिन देश आगे बढ़ रहा है। अब विपक्ष का काम है विरोध करना, अब वो तेजस्वी जी विरोध कर रहे हैं। वो देहात में कहावत है कि चलनी दूसरे का सूप को जिसमें सस्त हजारों छेद है। आप विशेष बात हम बोलना नहीं चाहते हैं, नहीं मैं विशेष बात बोलना नहीं चाहता हूँ। देश का विकास आज़ादी के बाद कितनी भी सरकारें बनी और गई, कितने भी प्रधानमंत्री इस देश में हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों में जो देश का विकास हो रहा है, चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, इवन की ऊँची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो कमजोर थे उनको भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। तो इसलिए कौन क्या कहता है नहीं कहता उसकी बात छोड़िए, लेकिन देश विकास के पथ पर है और आज अपने देश का जो विदेश पॉलिसी है वो सबसे अच्छा है, और विश्व में हिंदुस्तान का और नरेंद्र मोदी जी का नाम है। चलिए नीतीश कुमार को एनडीए। अरे यार छोरो देख के बात कितना फिर बोलो, चलो नीतीश कुमार को लगता है क्या फिर से एनडीए में वो जाने की। अरे भाई देखिए एक बात जान लीजिए आप, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता। समय का इंतजार करिए क्या रुपिंदर जी, समय का इंतजार कीजिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। चलिए स्वागत। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी को लेकर चल रहे कयासों के बीच केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है बल्कि समय बलवान होता है। समय का इंतजार कीजिए, आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगर नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। जाहिर है पारस के इस बयान ने एक बार फिर बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है और आगामी राजनीति को लेकर फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है।